चलते हैं रिलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम जिप कंपाइलर्स. अ सोर्स प्रोग्राम इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी. दिस प्रोग्राम इज नॉट इन अ फॉर्म देन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. अ कंपाइलर ट्रांसलेटेड दैट सोर्स प्रोग्राम इन टू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम देन द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट. अब क्या होता है कि सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो रिटर्न होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी कि सी में, और जो होता है ये प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हमें यह कंपाइलर को यूज़ करना पड़ता है या सोर्स कोड का यूज़ करना पड़ता है ताकि जो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज हो जाए और ताकि वो कंप्यूटर जो इसलिए अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट कर सके. उसके बाद होता है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. अब प्रोग्राम्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलपिंग बाय यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक आर एज फॉलोइंग. स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स. आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स. उसके बाद रिलेबिलिटी. इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग. एंड विजुअल प्रोग्रामिंग. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूलर्स एंड सब प्रोग्राम्स. ईच मॉड्यूलर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. और मॉड्यूलर इज execute when the main program sell it. When main program call a modular, then control move to the called modular temporarily. The control move back to the main program after executing the instructions of the modular. Structure program is a easier and simply technique for writing programs, making programs easier to write, check, read, and modify. The techniques use only three types of instructions, so the program are not compliant. Some structures programs use the following type of instructions. अब इसमें क्या होता है कि इसमें program technique use होती है programs को write करने के लिए, यानी कि small units of या सब program होता है, ठीक है, जिसे हम call करते हैं. जब हम उसे call करते हैं फिर हमारा program run होता है और फिर हम program को run करते हैं. और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम जो होता है वो इजीली जो होता है वो मूव क्रिएट हो जाता है. अब इसकी थ्री टाइप्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोग्राम को जो होता है वो इजीली जनरेट कर सकती हैं, यानी कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होती प्रोग्राम राइट करने में. आप इजीली जो होता है आपके पास स्ट्रक्चर होता है, आप उसका एक मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो, फिर जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर आप उसे मेन प्रोग्राम से बुला लेते हो. इस तरह हो सकता है कि आपने एक फार्मूला एक जगह राइट कर दिया होता है, ठीक है, जिधर भी आपको फार्मूला की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप कॉल देते हैं और वहाँ वो फार्मूला वहाँ पे आ जाता है, ठीक है. उसके बाद आता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर. अब इसका सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? अ सीक्वेंस सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन सेम ऑर्डर इन विच दे रिटन इन द प्रोग्राम. द स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट वन after the other. All statements of program are execute. It means that one statement is skipped and no statement is execute more than one. अब इसमें क्या होता है sequential execute में, ये हमारे पास एक same order होता है sequences का जिसमें program write करते हैं. इसमें होता है कि एक अगर एक statement execute होती है तो then ये अगले statement execute होती है और फिर all statement जो है program में execute होती है. और अगर एक भी statement skip हो जाती है तो कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है. तो इसकी जो सीक्वेंस होते हैं वो किस तरह, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, स्टेटमेंट फाइव, स्टेटमेंट सिक्स. उसके बाद आता है कंडीशनल स्ट्रक्चर. द कंडीशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन. इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है स्टेटमेंट को और उसकी बहुत ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो बेस्ड करी होती हैं कंडीशंस पे. और उसकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं, अगर एक स्टेटमेंट की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम बाकी स्टेटमेंट्स को जो है कंडीशंस को जो है वो फॉल्स वो जो इग्नोर कर देते हैं.
और इससे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी कि आप एक चीज़ जो है प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि एक स्टेटमेंट जो होता है वो आपका यस होता है और एक नो होता है, जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे रिजल्ट का दिखाया था कि एक यस होता है कि नो होता है। अगर तो आपका मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 हैं तो फिर तो वो यस होंगे, फिर आप जो है वहाँ पे जाके लिख देंगे पास, और अगर तो लो होंगे तो फिर आप वहाँ पे जाके लिख देंगे फेल। तो ये चीज़ जो होती है इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टरेटिव स्टेटमेंट। द आर्टरेटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली फॉर द सीक्वेंस नंबर ऑफ टाइम, इट कॉल्ड रिपीटेशन स्टेटमेंट और लूप। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम कैन यूज आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन फॉर 10 टाइम। अब ये देखो, ये थी उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जाम्पल, और अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है आइट्रेटिव स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि आपने सो मैनी टाइम कोई भी नाम लिखना है, कोई भी चीज़ लिखनी है, लाइक 100 टाइम्स लिखनी है, तो आप इजीली उसे जाके यहाँ पे मेन पॉइंट पर उसे कंडीशन देते हैं कितने टाइम्स लिखना है। अगर तो आपकी कंडीशन ठीक होती है तो फिर वो प्रोग्राम जो होता है उतना टाइम राइट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन गलत होती है तो प्रोग्राम जाके स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम्स के। रियलबिलिटी, स्ट्रक्चर प्रोग्राम अलो द यूजर टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग कोड एज एंड व्हेन रिक्वायर। अ फ्रीक्वेंसी यूज कोड कैन बी रिटन इन ब्लॉक विद द स्टेटमेंट दिस ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। अब इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को लो होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड होता है हम इसे इजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि इसमें हमें ब्लॉक टाइप जो होता है स्पेसिफिक नेम्स के साथ ब्लॉक्स बना के लिखते हैं, और हर ब्लॉक जो होता है वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता है तब तक जब तक हमारा और इस एग्जीक्यूट होता रहता है, परंतु हमारी रनिंग होती रहती है, और रनिंग होकर फिर बाद में जब हमारे सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता है कि हम दूसरे एक कोड को दो दफ़ा राइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ईजियर टू कोड। इट इज़ ईजियर टू राइट स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लार्ज प्रोग्राम लॉन्ग प्रोग्राम एज होल। इट अलो द यूजर टू फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम इन अ पार्टिकुलर ब्लॉक। अब इसमें होता है कि इसमें स्मॉल ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं कोड के जिन्हें हम इजीली राइट कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं उन्हें पता नहीं होता हमने काम फंक्शन कैसे अप्लाई किए, लेकिन जब हम ब्लॉक्स बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद ईजी टू मॉडिफाई, ईच ब्लॉक्स ऑफ कोड कैन बी यूनिक नेम एंड इट इज़ रिटन सेपरेटली फ्रॉम अदर कोड्स। इट ईजियर टू मॉडिफाई देन द लॉग प्रोग्राम। ये होता है हर प्रोग्राम का जो होता है अपना नेम होता है, हर ब्लॉक का अपना नेम होता है, तो हम इसे ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ईजी टू मेंटेन, स्मॉल प्रोग्राम्स आर ईजी टू मेंटेन एज कम्पेयर टू लॉन्ग प्रोग्राम्स। ईच ब्लॉक इज इंडिपेंडेंट एज एनी चेंज इन इट डज नॉट अफेक्ट अदर ब्लॉक। अब इसमें क्या होता है कि हम इजीली जो होता है मेंटेन कर सकते हैं, और इसके जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद ऐसा है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग डज नॉट इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग डेटा कैन नॉट बी कंसिडर एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फंक्शंस दैट मैनिपुलेट। पर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग प्रिटेंड द प्रोग्राम फ्रॉम डेटा सेपरेट डेटा फ्रॉम फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, और इसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होती है वो प्रिटेंड करती है प्रोग्राम को कि इसका जो फंक्शन होता है उसका सेपरेट डाटा हम लोग इंटर करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटिंग प्रोग्रामिंग। OOP is a technique in which programs are written on the basics of objects. An object is a collection of data and functions. Objects may represent a person, things, or place in real world. In OOP, data and all possible functions on data are grouped together. Or OOP programs are easier to learn and modify. C++, Java is the most popular oriented language. For example, a person can be an example of an object. It has some properties or characteristics that describe it. Some properties of persons, objects can be as follows: name, age, height. The person object may have some functions then describe when it can do. Some functions of persons, objects can be following: walk, talk, and eat.
अब इसमें क्या होता है कि हम जब किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं तो हमारे पास उसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोई भी डाटा या फिर फंक्शन का जो है लक्षण होना चाहिए, फिर हम उसके ज़रिए हम उसे इजीली जो होता है रन कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा और फंक्शंस नहीं होंगे तो हम प्रोग्राम को कभी भी रन नहीं कर सकेंगे और फिर हमारे लिए जो होता है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा पॉसिबल ये होता है कि हमारे पास फंक्शंस का जो फंक्शन जो होता है वो डाटा में होना चाहिए, यानी कि एक ग्रुप की तरह वे टुगेदर होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्सन का डाटा राइट करना है तो आपको उसका नेम, हाइट, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप उसे एक ग्रुप पेज में राइट करेंगे, आप उससे सेपरेटली तो राइट नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जब भी इसमें कोई भी प्रोग्राम राइट किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो एक तो हमारे पास डाटा होता है यानी कि हम यूज़र डाटा, उसके बाद हमें फंक्शंस भी दिए जाते हैं कि हमने कौन कौन सा फंक्शंस कहाँ कहाँ परफॉर्म करना है। हम खुद से फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करते हैं, हमें जो यूज़र होता है वो फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि जो C++ और जावा है वहाँ पे हमें फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर हम उन फंक्शंस को देखते हुए हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट, एन इवेंट ऑकर विद समथिंग हैपेंड। इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग ED प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर राइट द कोड दैट इज एग्जीक्यूट वेन अ पार्टिकुलर इवेंट ऑकर। द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक इज टेक्निकली यूज विद विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स आर फॉलोइंग: क्लिक द माउस बटन, टाइपिंग अ करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, मूविंग द माउस, डिलीट एंड वैल्यू। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रिवन प्रोग्रामिंग: अप पॉपअप मेन्यू अपीयर व्हेन द यूजर राइट क्लिक ऑन विंडो, द करंट विंडो इज क्लोज व्हेन द यूजर प्रेस अल्ट F4, द फाइल इज प्रिंट व्हेन द यूजर प्रिंट बटन। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम में हमारे पास ये चीज़ होती है कि इसमें हमें जो होते हैं वो कमांड्स, हम लोग जो होते हैं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि एक रिस्पॉन्स इवेंट दिया जाता है। और इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कि हमें बताया जाता है कि हम इस चीज़ को क्लिक करेंगे हमारा ये वर्क हो जाएगा, हम इस की माउस के इस चीज़ को क्लिक करेंगे ये हो जाएगा, कीबोर्ड में ये चीज़ क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। ये सारी कमांड्स होती है हमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यानी कि ED प्रोग्रामिंग में बताया जाता है। उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग क्या जाती है, विजुअल प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू प्रोवाइड अ यूजली फ्रेंडली इंटरफेस एंड इंटर एक्टिंग विद द प्रोग्राम। अब यूजुअल प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, यूजुअल प्रोग्रामिंग जो होती है हमें फ्रेंडली यूज़र को प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी तरह जो होता है वो इंटरफेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यूजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू डेवलप अप ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस सच एज विंडो, मेन्यू, बटन एंड लिस्ट बॉक्स। इसमें ये होता है कि हम कुछ भी जो होता है वो जनरेट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिकली चीज़ जनरेट कर सकते हैं, लाइक हम विंडो जनरेट कर सकते हैं, कोई भी मीम्स मेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कोई भी बटन जनरेट कर सकते हैं, कोई भी हम लिस्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं, कोई भी हम लिस्ट ऑफ उसके बॉक्सेस जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ चेयर्स जैसे कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। प्रोग्राम कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टूल बॉक्स टू यूज़ द प्रोग्राम। इसमें होता है एक टूल बॉक्स यूज़ होता है जिसमें हम प्रोग्राम को जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। दीज कंपोनेंट्स कैन बी मूव, रिसाइज एंड रीनेम इजीली। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मूव भी हो सकते हैं, ये रिसाइज भी हो सकते हैं, और ये रीनेम भी हो सकते हैं। द विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट होगा प्रोग्राम टू डिज़ाइन द यूजर इंटरफेस एंड देन अटैच द कोड विद ईच ऑब्जेक्ट। द अटैच कोड इज एग्जीक्यूट व्हेन द यूजर इंसर्ट विद डिफरेंट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम विंडो इज क्लोज व्हेन क्लोज बटन इज क्लिक। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट इज द विजुअल स्टूडियो नेट एंड नेटबीन। अब देखो आपको, अब अक्सर स्टूडेंट्स का जो होता है ना, हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हम कोई भी बटन क्लिक करते हैं हमारा फंक्शन जो होता है कैसे बंद हो जाता है कैसे, तो ये बटन्स के भी कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस कमांड्स होती हैं जो यूज़ होती हैं। जिस तरह अब यहाँ पे दो उन्होंने कमांड्स प्रोग्रामिंग बताई हैं कि इवेंट ड्रिवन ED और एक हमें बताई है विजुअल, यानी कि हम क्लिक करते हैं और हमारी विंडो क्लोज हो जाती है, हम ये काम करते हैं तो कमांड देते हैं हमारा काम इसीलिए हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सब एडवांटेजेस ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फॉलोइंग: प्रोग्रामिंग इज इजी टू लर्न, यानी कि इसे हम बहुत इजी से लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी से सीख सकते हैं। प्रोग्रामर डज नॉट हैव टू राइट कोड टू क्रिएट कंपोनेंट्स।
अब इसमें होता है कि प्रोग्रामर को कोड्स को राइट नहीं करना पड़ता कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए. अब ये कंपोनेंट्स कैन बी मूव रिसाइज एंड डिलीट इजीली. अब इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली मूव भी हो सकते हैं, उन्हें रिसाइज भी किया जाता है, उन्हें डिलीट भी कर लिया जाता है इजीली. आप प्रोग्राम कैन क्रिएट द यूज़र इंटरफेस इजीली, और जो प्रोग्राम होता है वो इजीली यूज़र इंटरफेस को क्रिएट कर लेता है. द कंपोनेंट प्रोवाइड बाय द विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कंटेन्स सम बुलेट्स इन कोड. अब इसमें ये होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं वीएल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स, ताकि हम इजीली जो होते हैं वो क्रिएट कर सकें बुलेट्स कोड्स को. द वीएल कंपोनेंट्स कैन रिएक्ट टू डिफरेंट इवेंट्स, और जो जितने भी वीएल प्रोग्राम्स होते हैं वो डिफरेंट इवेंट्स पे जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप बटन कैन डिस्प्ले आ मैसेज वैन द यूजर क्लिक इट. एक बटन जो होता है, जब भी हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर मैसेज आता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ वीएल प्रोग्रामिंग. सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वीएल प्रोग्रामिंग आर एज फॉलोइंग. वीएल प्रोग्रामिंग इवेंट्स आर हैवी एंड रिक्वायर मोर मनी. और इसमें होता है वीएल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर होती है. इट्स रिक्वायर अ कंप्यूटर वेरी हाई कैपेबिलिटी ऑफ डिस्क हार्ड. इसमें अंदर डिस्क हार्ड के अंदर बहुत हाई कैपेबिलिटी होनी चाहिए. वीएल प्रोग्रामिंग नीड अ कंप्यूटर विथ फास्टर प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूट. और इसमें ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके पास फास्टर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ताकि हमारा प्रोग्राम इजीली. रियल प्रोग्रामिंग कैन इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राफिकल, इसमें ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है. अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, यानी कि जो हमारा कोर्स का मेन टॉपिक है, अब हम उसके बारे में स्टार्ट करने लगे हैं. अब इसके स्टार्ट में जो हमारे पास इसका चैप्टर ओवरव्यू, हम सबसे पहले करते हैं. चैप्टर ओवरव्यू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो इनमें हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग्स भी आएंगी जिन्हें हम लोग देखेंगे, तो हम साथ साथ उस चीज़ को सीखेंगे भी. तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स में जो है वो C++ डेव C++ जो है वो डाउनलोड कर लेना है. कंप्यूटर ओवरव्यू, अब इसमें चैप्टर ओवरव्यू में बस क्या आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ C++, उसके बाद इसके फीचर्स आ जाएंगे जो C++ में होते हैं, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ C++, बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, हार्डर फाइल, मेन फंक्शन, C++ स्टेटमेंट्स, टोकन्स एंड रिटर्न स्पेस, उसके बाद टर्बो C++, इंस्टॉलिंग टर्बो C++, इनिशलाइजिंग टर्बो C++ IDE, सेटिंग अप डायरेक्शंस, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ऑफ C++ प्रोग्राम, सेविंग अ प्रोग्राम, और उसके बाद कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, लिंकिंग अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, उसके बाद डीबगिंग C++ और टाइप्स ऑफ एरर और डेव C++. अब देखें इसके अंदर उन्होंने हमें क्या बताया, उसके सबसे पहले उन्होंने हमें हिस्ट्री बताई कि ये कैसे जनरेट होगी, उसके बाद वो उसके फीचर्स बताएंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फिर वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हमें बताएंगे कि हम प्रोग्राम को कैसे कैसे राइट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वो एक ऐप बताएंगे टर्बो C++ के, हम उसमें किस तरह फंक्शंस को कंपाइल, किस तरह राइट करते हैं, किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह सेव करते हैं, ये सारा कुछ. उसके बाद लास्ट में वो बताएंगे कि अगर डीबगिंग या फिर एरर आ जाता है तो हम C++ में टर्बो C++ से किस तरह जनरेट करते हैं. लास्ट में डेव C++ के बारे में भी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ C++. हिस्ट्री ऑफ C++ में हमारे पास कहता है मैनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपेयर ड्यूरिंग द 1960s. The computer at the time were still in each stage of development. The language ALCO 60 was developed on alternative or to Fortran. The language CPL was developed in 1930. It is difficult to learn. Martin Richard developed BCPL in 1970s. That was similar than CPL. Kathan Thomas create B language in 1970. C language was derived by from B language. The B language provide the basics of the further development of C. The C language was originally designed to system program under Unix operating system. The power and feasibility of C language made it properly in industry for a wide range of applications. The earlier version of C was knowledge as KNRC. The American National Standard Institute was developed standard version of C++ known as C. The new variant provide many features that was not available in old version.
उसके बाद बेल लैब के ईयर द डेवलपमेंट सी प्लस प्लस लैंग्वेज इन 1980 द फर्स्ट कमर्शियल रिलाइज ऑफ सी प्लस प्लस अपीयर इन अक्टूबर 1985 इट वाज ओरिजिनली नेम सी विद क्लासेस इट वाज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस अलो द यूज फॉर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स नाउन एंड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सी प्लस प्लस वाज रिफाइंड ड्यूरिंग 1980 and it become a unique language. It was very much capabilities with the code of C providing the most important characteristics of C. ANIC committee beginning the development of specific structures of C++ in 1990. In mid 1998, ANIC and ISO C++ language standards were improved. The standards is used by most the compiler use techniques C++ become very popular programming language to develop various types of applications. अब उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास किस तरह जो है वो ये लैंग्वेज जनरेट हुई थी. अब इस लैंग्वेज जनरेट करने से पहले हमारे पास सो मैनी लैंग्वेजेस जनरेटिव इंजन जाके जनरेट हुई. सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज जनरेट हुई? ALGO 60 ये डेवलप की गई थी फॉर्टन लैंग्वेज से. फॉर्टन लैंग्वेज से फिर बाद में CPL जनरेट हुई. जब CPL जनरेट हुई वो 1960 में डेवलप हुई थी. उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी इसे लर्न करना, इसे जनरेट करना, इसे मॉडिफाई करना, ये सारा कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट था. उसके बाद उन्होंने ईजियर लैंग्वेज जनरेट की BCPL. ये भी सिमिलर थी CPL से लेकिन ये थोड़ी सी जो थी ना वो चेंज थी, यानी कि आप इसे इतने मॉडिफाई करवा सकते. फिर 1970 में बी लैंग्वेज जनरेट हुई, इसे सी लैंग्वेज से ड्राइव किया जाता है. उसके बाद ये जब डेवलप हुई तो उसके थोड़े अरसे बाद जो है सी लैंग्वेज का जो है ओरिजिनल डिज़ाइन डेवलप हुआ किसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ये बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज थी. उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने जो एक वेरियंट जनरेट किया था ANSI C, यानी कि ये भी सी लैंग्वेज का था. इसका न्यू वेरियंट जो है वो प्रोवाइडेड है मैनी फीचर्स के साथ, लेकिन ओल्ड वेरियंट जो है वो अभी प्रोवाइड नहीं है. उसके बाद एक लैब बेल लैब्स है, उसके अंदर सी प्लस प्लस को 1980 में जनरेट किया गया, लेकिन उसे फर्स्ट जब लॉन्च किया गया तो वो 1985 में अक्टूबर के अंदर लॉन्च किया गया. और इसे सी विद क्लासेस जो है ये इसका ओरिजिनल नेम है, सी विद क्लासेस, और ये इम्प्रूव वर्जन है सी लैंग्वेज का. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, और ये प्रोग्राम लैंग्वेज जो है ये इसे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इजीली, और ये वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाता है कन्वीनियंट लैंग्वेज, सेकेंड आ जाता है वेस्टर्न लैंग्वेज, थर्ड आ जाता है केस सेंसिटिविटी, और फोर्थ आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट, फिफ्थ आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फोर्थ सिक्स आ जाता है मॉडुलर प्रोग्रामर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, हार्डवेयर कंट्रोल, बेटी स्पीड, पॉपुलर लैंग्वेज और सी कैपेबिलिटी. अब ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. यहाँ पे हम प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो है ये आपकी फाइल्स हैं, ठीक है. अगर आपने न्यू ओपन करनी है तो आप न्यू ओपन फाइल कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप सेव अगर करना है कोई फाइल इंपैक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपने प्रिंट करना है तो आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर आपने एडिटिंग करनी है, ठीक है, इनडोर अनडोर करनी है, कट कॉपी करना है, कोई भी सिलेक्शंस आपने प्रोग्राम की किया उसे कट कॉपी करना है भी कर सकते हैं. उसके बाद आप इसे कमांड दे सकते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर है. इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये सारा कुछ क्या होता है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सर्च. अब सर्च हमारे पास क्या होता है, सर्च में हम फाइंड करते हैं, फाइंड फाइल करते हैं, उसके बाद रिप्लेस करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं, और गो टू फंक्शन करते हैं या गो टू लाइन जाते हैं. उसके बाद व्यू में हमारे पास आ जाता है, व्यू में यहाँ पर टूल बार्स आ जाती हैं डिफरेंट्स और ये सारा कुछ. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है प्रोजेक्ट. उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूट. अगर हमने फाइल को एग्जीक्यूट करना हो तो हम कैसे कर, ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये हमारी क्लासेस होती हैं, ये हमारा डीबग होता है, ठीक है.
यहाँ से हम प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम रन करते हैं, फिर कंपाइल और रन को एक साथ भी कर सकते हैं, उसके बाद हम रीबिल्ड भी कर सकते हैं आल को, उसके बाद उसके सिंटैक्स को भी चेक कर सकते हैं और उसके करंट फाइल के सिंटैक्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके टूल्स आ जाते हैं, यानी कि कंपाइलर ऑप्शन होता है इसमें, इवेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद इसकी विंडो होती है, यानी कि अगर हमें सब कुछ क्लोज करना हो तो वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास होता है सोर्स फाइल, यानी कि अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी हो, यहाँ पे अगर हमने इधर से कुछ लेना हो तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास सेव, अगर हमने ऐड करना हो, यहाँ पे अगर हमने सेव करना हो, यहाँ पे अगर हमने क्लोज करना हो, यहाँ पे क्लोज ऐड करना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर हमने कुछ सर्च कर फाइंड करना हो या फिर रिप्लेस करना हो, ये हमारे पास होता है कंपाइल करने के लिए, ये हमारे पास रन होता है, ये कंपाइलर रन दोनों एक साथ होता है, और ये रीबिल्ड होता है, ये डिबग होता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोफाइल एनालिसिस करता है और ये डिलीट करता है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को। और नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास होती है इंसर्ट की, और ये होती है टूलिंग बॉक्स की, और ये हमारे पास होता है गो टू मार्क बुक मार्क, यानी कि अगर हमने कोई बुक मार्क में सेव करना है तो ये हमारे पास चीज़ आती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम राइट करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरह प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। मैं ये प्रोग्राम राइट करने लगी हूँ, ये अभी आपको नहीं पता प्रोग्राम्स के मेन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये जस्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हम रन और कंपाइल कैसे करते हैं इसमें, या हम कंपाइलर का यूज़ इसमें किस तरह करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को राइट करूँगी, इसका पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। उसके लिए मैं कीवर्ड यूज़ करूँगी, कुछ लोगों के कीवर्ड्स होते हैं ये वाले होंगे, यहाँ से ये हैश का साइन आएगा और कुछ लोगों का इधर से आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होते हैं लैपटॉप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूँगी इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं टाइप करूँगी यहाँ पे, ओके, ये चीज़ हमारी आ गई। अब इसके अंदर मैं लिखूँगी ISOSTREAM, जो उसका होता है ना सी लैंग्वेज का, वो चेंज होता है और इसका चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद डॉट आ जाएगा और फिर आ जाएगा H, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारे पास फिर हैश है, फिर मैं इधर जाऊंगी और फिर मैं इसे क्लिक करूंगी, अब मेरे पास यहाँ पे मैं फिर लिखूंगी इंक्लूड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अभी मैं लिख रही हूँ, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैं लिख रही हूँ, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया। आइकॉनिक डॉट एच, आपने जब भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है, आपने ये दो चीज़ें तो मस्ट लिखनी है, ये आपकी कभी भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे एक कॉल रन देने लगी हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल रन देने लगी हूँ, कॉल रन में क्या देने लगी हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमने जो पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वो हम लोग इसमें देखने लगे। अब मैं यहाँ पे कॉल रन किसे देने लगी हूँ, पाई को, क्या 3.141, ओके। ये मेरे पास है पाई, मैंने इसे दे दी कॉल रन, ओके। जब मैंने इसे कॉल रन दे दी, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट मैं फिर एंटर पे क्लिक करूँगी। अब जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे, आपका जो चेंज है वो खुद ही मूव होता जाएगा आगे। उसके बाद आ जाएगा वाइट मेन, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसे डबल ब्रैकेट, ओके। अब ये देखें बहुत सी चीज़ें डिफरेंट ब्रैकेट से इन्होंने जो है वो की हुई हैं। उसके बाद मैं इधर करूँगी एंटर, और अब मेरा यहाँ से स्टार्ट होना है मेन प्रोग्राम। अब जब मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होना है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी, ये ब्रैकेट मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं एंटर क्लिक करूँगी, अब मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी FLOAT, ठीक है। ये फ्लोट आ गया, फ्लोट हम किस पे साथ कर रहे हैं, R कॉमा
एरिया। ओके अब इसके लास्ट पे यूज होना है सेमी कॉलम, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सी एल, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ये डबल ब्रैकेट, ओके। और एंड पे आप यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे काउंट, इसके अंदर आप अपने जो अपने वर्क करना होता है आप वो चीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एंटर, और यहाँ पे जब भी हमने कोई चीज़ राइट करनी है तो उसके ऊपर हमारे पास आना चाहिए डबल कॉलम। तो अब यहाँ पे हम डबल कॉलम लगाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर ये डबल कॉलम लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी एंटर। इसमें जब भी आपने लिखना है आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और आप फास्ट में भी लिख सकते हैं DDS, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास ये एंड हो गया। अब इसे मैं ख़त्म करूँगी, ये प्रोग्राम मैंने राइट कर लिया। अब मैं इसे करूँगी रन। ये पहले मैं इसे सेव कर लेती हूँ। सेव कर लेते हैं इसे रेडियस डेटा, ओके। ये मैंने सेव कर लिया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहे हैं। एरर किस में आ रहा है? iostream.h में। इधर हमारे पास क्या एरर आ रहा है? हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, ठीक है। अब मैं इसे फिर से कंपाइल करूँगी। अब देखें यहाँ पे उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब मैं कंपाइल और रन करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। हमने इसे इस तरह राइट किया है। अब हम इस फंक्शन को जो है वो ईजिली जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे रन और कंप्लाइन करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे जो आंसर क्रिएट होता है, ओके। आई होप सो कि आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे और बाकी सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारा जो फंक्शन है वो ईजिली जो है वो हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।